पंजाबी सिंगर बब्बू मान हरियाणवी सिंगरों के साथ एक ही मंच पर दिखाई देंगे और ऐसे में पहली बार पंजाबी सिंगर बब्बू मान करनाल में लाइव प्रोग्राम भी पेश करेंगे जिसमें करनालवासी उनको लाइव सुन सकेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है, किस लिए बुलाया? जी सबसे पहले तो मैं करनाल की तमाम मीडिया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि मेरे को अपनी बात कहने का आप सब ने मौका दिया। करनाल की जनता से आज मैं फर्स्ट टाइम आप सब के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। मेन हमारा आज ये है कि 8 सितंबर को हम करनाल के अंदर लीजेंड बब्बू मान जी जो कि पंजाबी सिंगर हैं उनका लाइव शो कर रहे हैं और वो करनाल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उसी उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये फैसला किया था कि हमारी तमाम करनाल की मीडिया के माध्यम से हम पूरे हरियाणा वासियों को एक ये सूचना दे दें। कब आएंगे और क्या प्रोग्राम रहेगा, कहां पर आएंगे? जी ये जो फंक्शन है लाइव शो बब्बू मान जी का हमारी नव निर्माण मंच ट्रस्ट है उसके बैनर के नीचे हम ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वेन्यू हमारा रुतबा होटल नियर करण लेक करनाल में उनका आगमन हो रहा है। कौन कौन आ सकता है वहाँ पर? देखो मेन हम बब्बू मान जी का लाइव शो कर रहे हैं, बाकी उनके साथ साथ हमारे जो हरियाणा के आर्टिस्ट हैं तो हमारी कोशिश है कि हम सभी को एक मंच दें, एक मंच पे सबको इकट्ठा करें। उसमें जैसे मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, अपने हरियाणा से सिंगर हैं मंजीत पांचाल जी, सुशील मस्ताना जी, अंशु राणा जी और एमडी जी, मनीष मस्त जी, अमित सैनी रोहतकिया जी, खासेवाड़ा चार, तो बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं सबका तो नाम ले नहीं पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हमारी ये कोशिश है कि करनाल की जनता और हरियाणा की जनता, मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइव शो एक ऐसा शो रहे कि लोगों को एक यादगार बने और इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम संगीत है जो हमारा करनाल की जनता उस फील्ड में भी आगे आए और करनाल में जो संगीत के चाहने वाले हैं या जो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, बढ़ना चाहते हैं, हम उनको चाहते हैं कि बब्बू मान जी खुद आके यहाँ पे अप्रिसिएट करें और संगीत की इस कला को आगे लेके जाएं। हमने इसमें देखो पास रखे हुए हैं हरियाणा का, ये बहुत बड़ा पहला ऐसा शो है जो स्टेट लेवल पे होने जा रहा है और बब्बू मान जी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इसमें हमने पासिस रखे हुए हैं, वो पासिस आप पेटीएम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और दूसरा हमारा कार्यालय है करनाल में सेक्टर 9 में, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है सर? कॉस्ट रखी है उसकी? क्या कॉस्ट रखी है? कितनी कॉस्ट है उसकी? क्या है कि ये बड़ा फंक्शन है तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये हमने फंड रेजिंग प्रोग्राम रखा है कि तो ट्रस्ट के माध्यम से ये फंक्शन है, जो भी इससे फंड रेज होता है वो हम सोशल कार्यों में लगाएंगे। कॉस्ट इसकी हमारी 1000 रुपए से स्टार्ट होती है, 999 से। क्या कुछ समय रहने वाला है इसका? इसका समय हम 5 बजे गेट हैं जो अपने ओपन कर देंगे एंट्री के लिए और ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे तक चलेगा। ये पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं सर? आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो तो आप इस मंच पे अकेले ही दिखाई दे रहे हैं जबकि कोई टीम आपके साथ में होती है जिससे कि लगे कि हमें कोई बड़ा नहीं ऐसा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये ट्रस्ट है और इस ये संगठन हमारा इस संगठन में हजारों लोग हैं। आज वो क्या था कि थोड़ी व्यस्तता के कारण आप लोगों को हमने समय दे दिया था तो सभी के पास इधर उधर काम लगे हुए थे, तो क्योंकि प्रोग्राम भी नज़दीक है तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने ये कॉन्फ्रेंस इससे पहले कोई कार्यक्रम करवाया? जी इससे पहले हमारा जो नव निर्माण मंच ट्रस्ट है वो तकरीबन 9-10 सालों से समाज सेवा में कार्य कर रहा है। 2017 में हमने स्टेट लेवल का इंद्री के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर 5 मई को कार्यक्रम रखा था एक श्याम संगीत के नाम, हरियाणा की स्वर्ण जयंती को हमने वो समर्पित किया था और वो अपने आप में स्टेट का पहला एक इतना बड़ा कार्यक्रम था। उसमें सेलिब्रिटी हरियाणा के तमाम सेलिब्रिटी थे, पंजाबी सिंगर थे, बॉलीवुड से महिमा चौधरी जी ने शिरकत की थी और हरियाणा से जो हमारी सपना चौधरी जी अदाकारा हैं
जो आज वर्ल्ड आइकन बन चुकी है, उन्होंने भी शिरकत की थी और अपनी कला का जलवा बिखेरा था। सर आपने कहा कि आप जो भी बजट आएगा वो सोशल कार्यों में लगाएंगे, तो पहले आपने कोई इस प्रकार का सोशल कार्य या फिर? जी जी, सोशल सामाजिक कार्य के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हमने समय समय पर संगीत के साथ साथ खेल के कार्यक्रम स्टेट लेवल के आयोजित किए हैं। नेशनल कबड्डी हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें विदेशों के स्पोर्ट्स पर्सन ने भी आगे शिरकत की थी, और हमने वो प्रोग्राम भी हम इनाम के रूप में हमने लाखों रुपए दिया लोगों को। जो जनता हमें सहयोग करती है, हम वो सारा हर क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उन सब में डिवाइड करके सबको साथ लेके चलते। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि खेलों खेल भी ऑर्गेनाइज किए, तो क्या सिर्फ कबड्डी के ऑर्गेनाइज किए या और भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए? जी जी, हमने कबड्डी के ऑर्गेनाइज किए, उनमें महिलाओं की जो हमारी इंडिया की जो पार्टिसिपेट करती है टीम वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने खेल दिखाया था। इसके अलावा खो खो के हमने किए हैं और अपने दौड़ की हमने प्रतियोगिताएं की हैं। तो समय समय पर हर तरह के ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो क्या कोई न्यू सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है? बब्बू मान जी का भी लेटेस्ट सॉन्ग आया है, तो उनके सॉन्ग डे बाय डे चलते रहते हैं, और वो तो आप सबको पता है कि एक वर्ल्ड आइकन इंटरनेशनल ब्रांड है, वो परिचय के मोहताज नहीं है। सर आपकी संस्था का नाम क्या है? जी, नव निर्माण मंच हमारा ये ट्रस्ट है। आपका पद क्या है? मैं रिंकू सैनी चेयरमैन हूँ नव निर्माण मंच। सर का जी? तो राजेंद्र कुमार जी हैं हमारे संगठन में सदस्य के, बड़े सक्रिय सदस्य हैं, काम करते हैं। जी, इस कार्यक्रम में ये हमारा लिमिटेड सीट्स का कार्यक्रम है जो कि रुतबा होटल में होने जा रहा है, और इसमें हमारी 4 से 5 हज़ार लोगों की सीटिंग रही। तो सर पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी हम जो भी हैं आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय जो है? मैं करनाल